हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल रियूज नेशन। आपको स्वागत है और एक नए ब्लॉग पे। आज सुबह सुबह मैं ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। आज हम जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? मेरे भाई का जो एंगेजमेंट गया था आज, मतलब उसका शादी है तो उसके शादी में ही जा रहे हैं। एंगेजमेंट का ब्लॉग तो आप देख ही चुके हो, इसको भी पहचान गए हो अगर एंगेजमेंट का ब्लॉग देखे हो तो। तो आज हम जा रहे हैं उसके शादी में। उसका शादी है 27 नवंबर को। आज 25 नवंबर है तो आज हम जा रहे हैं उसके शादी में। वाला किचु घंटू घंटू मामा बाड़ी अच्छे मामा बाड़ी ना बोल राजा का घर दिए बोले दो बोले दो। हे गाइस, तो हम ट्रेन में चढ़ गए थे। उस दिन ट्रेन में चढ़ने में बहुत ही प्रॉब्लम हुआ था क्योंकि बालेश्वर स्टेशन में सब खाली हो गया था। मतलब उतर रहे थे इतना लोग, जो चढ़ना चाहिए ट्रेन में वो चढ़ नहीं पा रहे। तो ट्रेन छोड़ने के बाद हम चढ़े ट्रेन में। क्या है मावाड़ी? बीए बाड़ी चले हमारा। साइड में जो पैंडल देख रहे हो ये खाने के लिए बना था। इस ये पैंडल में हम हर दिन खाने के लिए आते थे। जो मैं वीडियो में आप जो देख पा रहे थे यही पैंडल है। गाइस, अभी मैं तो पुआ के घर पहुंच गई हूँ। पहुंच के ब्रेकफास्ट भी कर ली हूँ। अभी थोड़ा मैं रेस्ट लूँगी क्योंकि सुबह सुबह उठी थी ट्रेन के लिए। 8 बजे आई थिंक उठी थी तो बहुत ज़ोर से नींद आ रहा है। उसके बाद मैं जाऊँगी मेरे छोटे भाभी की मायके। वहाँ पर आज खाने के लिए बुलाए हैं मुझे सभी को। तो मैं उनके घर जाऊंगी लंच करने दोपहर को। तो मैं तो घर से नहा के आई थी तो अभी नहाने का टेंशन नहीं है। तो अभी मैं थोड़ा रेस्ट लूँगी। मैं थोड़ा यहाँ पर सो भी गई थी। मैंने सोचा थोड़ा वीडियो रिकॉर्ड कर लेती हूँ तो अभी थोड़ा रेस्ट लूँगी। रेस्ट लेने के बाद मैं आपसे मिलती हूँ, ठीक है? मैं इस बार सोची थी प्रॉपरली ब्लॉक करूँगी, वो भी नहीं हो रहा है। जितना भी हो रहा है आप प्लीज़ मैनेज कर लेना। अभी हम जा रहे हैं भाभी के घर। माँ और बड़े माँ पीछे आ रहे हैं, मैं आगे आगे चल रही हूँ। अभी जस्ट वो आपके घर से पैदल चल के अभी जा रहे हैं भाभी के मायके। दीदी बाद में आएगी, मतलब मेरी जो दी है वो आका उनको भी बुलाए थे दी को। वो छुटकियाँ स्कूल से आएगी फिर वो आएंगे। छुटकी स्कूल से आने के बाद वो आएगी। अभी हम जा रहे हैं वहाँ पर जाके आप सबसे मिलती हूँ। भाभी का घर का रास्ता है, हम शॉर्टकट देके जा रहे हैं गली गली होके। शॉर्टकट देके जा रहे हैं अभी।
यहाँ से कहाँ जाना पड़ता है मुझे रास्ता मालूम नहीं है, माँ को सब मालूम है। पहुँच गए ये भाभी का मंदिर, मोनसा मंदिर ना मैटा এটা বৌদিদের বাড়ির মনসা মন্দির। এখানকার এই বাড়িটা হচ্ছে বৌদিদের, কোন বাড়িটা এটা? এই আমি তোর মামা বাড়িতে আসলাম, তুই মোবাইল দেখছিস কেন? ওই এই তাকা, এই তাকা, এই খেতে দে তোর মামা বাড়িতে আসলাম, খেতে দে, খেতে দে তোদের এনে, যা যা। এত কিসের জন্য তাই বলে কথা, এত কিসের জন্য সব খাবি? সব খাবি তুই পড়, তোর বইলের সাথে তোর এইটা পরে ফটো তুলবি নাকি? गाइस तो मैं आज भाभी के घर खाई, मैंने खिलाए थे भाभी लोग, तो भाभी मुझे साड़ी दिए, मतलब उनकी मम्मी जो है वो मुझे साड़ी गिफ्ट की। यहाँ पर सभी बड़े माँ उनके पापा खा रहे हैं, भाभी के पापा। तो मेरा खाना हो गया है, मैं खाना खाने के बाद मैं बैठी थी और मम्मी वीडियो कर रही थी, और भाभी का जो मम्मी है वो मुझे साड़ी गिफ्ट कर रहे थे। बहुत सुंदर सा प्यारा सा साड़ी है कॉम्बिनेशन में साड़ी है, तो आपको देखने में मिलेगा। तो आप देख के कॉमेंट करना कि आपको साड़ी कैसा, कॉमेंट करना जरा। बुआ के घर जा रहे हैं, ये भी हमारे साथ जा रहा है। हम खाने के बाद निकल पड़े बुआ के घर जाने के लिए। भाई का जल्दी कोटा है, वो शादी के पहले दिन होता है, नेक्स्ट दिन वही हल्दी भाई को लगेगा। हल्दी जा आज के हलुद कोटा, सिनी अपन घूमिए छन। किरे आय पूरा पूरा देखी কোথায় ফেসিয়াল ফেসিয়াল করেছিস দেখি? পুরে পুরে কি ব্যাপার, নতুন কার্ডটা তুমি আগে ওপেনিং করেছো কেন? কি ওপেন করব? আরে বাবা সু তারপরে তো, হ্যাঁ আর তো আর তো আর তো কি গো, একা একা এই খাটে একা একা শুতে নেই, পাপ লাগবে। হ্যাঁ পাপ লাগবে। তারপরে কি গানে কি কি গানে নাচ করবি? Thank you.
দে টাইলা দে মামি কে দে মামি কে দে আসো আসো এই বাবা এই বাবা হ্যাঁ ওই তো পারে হ্যাঁ ওই 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 যে একটু রাখো ওই তো গুড়ো যে একটু খাবে ওই তো খাও হ্যাঁ ওই তো একটু রাখো পাঁচ বার করো ওই তো খাও পারো না না শব্দ হলো না তার জন্য देखे दो तो है गाइस रिचुअल स्टार्ट हो गया है। ये रिचुअल्स एक दिन पहले का रिचुअल्स है। जो बंगाली है उनको तो पता ही होगा हल्दी कोटा। तो हल्दी कुट्टा में जो लोग आते हैं मैरिड, ये तो मैरिड लोग ही करते हैं, तो पांच जन मैरिड लोग को लगता है इस रिचुअल्स में। तो जो लोग बाहर से आसपास से आते हैं, सभी को जिनके घर शादी होता है वो मिठाई देते हैं, फिर सुपारी पान ऐसे सब देते हैं, और एक दूसरे को वो मतलब सिंदूर लगाते हैं। तो यही है रिचुअल्स। जो बंगाली है उनको तो पता ही है, जो नहीं है तो मैं बता दी। ये भूमिका का मैरिज का दिन का आउटफिट है। ये मैरिज के दिन मतलब 27th जो भैया का शादी है उसमें वो पहनेगी ये गाउन पिंक कलर का। अखन ट्रायल चल छे রিসেপশনের লুক, তাই তো? এরপরে এখন পড়বে বিয়ের লুকটা। এটা হচ্ছে বিয়ের লুক, ওয়ালপেপারের সাথে পুরো ম্যাচ হয়ে গেছে কালারটা। এটা ধুতি নাকি রেডি টু ওয়ার? ধুতি পরে নাও। তুই কেন পড়বি? দেখ এবার আনে সামনে দেখ। आज है नेक्स्ट डे सुबह। कल ब्लॉग में एंड करना भूल गई थी, मतलब बहुत ही टायर्ड हो गई थी वहाँ से मैंने रह के, तो और कुछ क्लिप शेयर नहीं की थी। खा पी के थोड़ा बातचीत हुआ, कल सोते सोते 1:30 हो गया, तो मैं ब्लॉग एंड करना भूल गई थी। तो आज मैं ब्लॉग एंड कर रही हूँ, और दूसरा दिन का जो आज का जो ब्लॉग है वो अभी से स्टार्ट होगा। तो अगर आपको मेरा
वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। सब्सक्राइब बटन के पास जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर देना ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ आप सबके पास तुरंत ही पहुँच जाए, जल्दी से जल्दी वो वीडियो देख सको। तो आज के लिए टाटा, टेक केयर एंड बाय बाय। स्टे ट्यून्ड ऑन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।